हेलो अभिमान, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है मेरी किचन में फ्राई इडली। इसके लिए मैंने बैटर बना के रखा हुआ था और बैटर को बस मैंने फटाफट से स्टीम कर लिया था रात में ही। अगर आप चाहें तो तुरंत ही मतलब स्टीम करके इडली को, और आप तुरंत ही इसको छौंका लगा सकते हैं। मैंने रात को बना के रख ली थी ताकि मॉर्निंग में टिफ़िन बनाने में देरी ना हो, फटाफट से टिफ़िन रेडी हो जाता है बच्चों के लिए, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। साथ साथ में बच्चों को कुछ डिफरेंट भी मिल जाता है टिफ़िन में। डेली रोटी सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसके लिए हमने इडली को कट कर लिया है। अपने मनपसंद पीसेस में आप कट कर सकते हैं, या फिर आप पूरे इडली को भी आप डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है एक पैन में। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मस्टर्ड सीड डाल देंगे, राई के दाने या फिर सरसों के दाने जो भी होंगे वो आप डाल सकते हैं। साथ में ही करी पत्ता मैंने डाल दिया है, और ऊपर से हम एक लाल मिर्च तोड़कर इसमें डालेंगे। हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्ची से तीखापन ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है। इसके ऊपर से अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने नमक डाला है, हल्दी डाला है, मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से ओरिगैनो डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर इसको सर्व कर सकते हैं आप सॉस के साथ और चटनी के साथ। फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।